हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग रिलेशन कंटिन्यूस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रिलेशन, और ये हमारे रिलेशन पे थर्ड वीडियो है, पार्ट थ्री। तो इस वीडियो में हम लोग पहले रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन को मेनली दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म रिलेशन को लिखने का एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज represented by the set of all ordered pairs which belongs to given relation। तो इस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सेट। एक सेट बनाते हैं जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आर। तो आपको रिलेशन लिखना है, तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन का ही तरीका सीख रहे हैं, लिखने का ही तरीका सीख रहे हैं। तो हम लोगों को आर फाइंड आउट करना है, रिलेशन वेयर R is relation X divides Y from set A to set B। तो जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए से बी में है। तो पहले हम लोग समझते हैं इस बात को, 2, 3, 4, 3, 6, 8। तो एक रिलेशन है आर हमारा, और रिलेशन कौन सा है, एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब वो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे जो डिवाइड करेगा, मींस दो तीन को डिवाइड करता है या नहीं करता। तो दो तीन को डिवाइड नहीं करता तो ये रिलेटेड नहीं होंगे। तो टू उसी से रिलेटेड होगा जिसको टू डिवाइड करेगा। एक्स डिवाइड्स वाई मतलब पहला वाला एलिमेंट आपके दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। तो टू थ्री के साथ रिलेशन नहीं बना रहे, टू सिक्स के साथ रिलेशन बनाएगा, टू एट के साथ रिलेशन बनाएगा, ऐसे ही थ्री थ्री को डिवाइड करता है तो थ्री के साथ रिलेशन बनाएगा, थ्री सिक्स को डिवाइड करता है इसके साथ रिलेशन बनाएगा, थ्री एट के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, और फोर ना थ्री को डिवाइड करता है ना सिक्स को डिवाइड करता है, तो फोर किसके साथ रिलेशन बनाएगा, एट के साथ रिलेशन बनाएगा। तो यहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड है उनके ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेंगे हम लोग। तो यहां पे रिलेशन कैसे लिखेंगे, आर, ठीक है, आर हम रिलेशन लिख रहे हैं, सेट रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को सेट बनाना है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब जो रिलेशन बना रहे हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनाना है। तो कौन कौन रिलेशन बना रहे हैं, टू और सिक्स ने रिलेशन बनाया तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख लिया, इसका मतलब है टू सिक्स के साथ रिलेशन बना रहा है, टू एट रिलेटेड है, थ्री थ्री रिलेटेड है, थ्री सिक्स रिलेटेड है, और ऐसे फोर एट रिलेटेड है। तो ये हमने रिलेशन को लिख दिया। तो हमने इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए जो जो रिलेशन में है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन की रोस्टर फॉर्म हो गई। दूसरी जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन की हमारी दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग
ए रूल। तो इस रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम लोग एक रूल लिखते हैं, रूल लिखते हैं जो रिलेशन को बताता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे एक रूल लिखता हूं, जैसे एक रिलेशन लिखा मैंने, आर वन रिलेशन का नाम है, और आर वन जो रिलेशन है उसमें एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन वाई बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन। तो ये एक रिलेशन ही लिखा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन रिलेशन की इसी में है। पहले हम लोग पूरा लैंग्वेज में लिखते थे और ये उसी सारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये रिलेशन के बारे में सब बता रहा है। अब रिलेशन के बारे में क्या बता रहा है, ये रिलेशन आर वन जो है उसमें वो एलिमेंट्स एक्स वाई आएंगे, मीन्स ये बोल रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई मतलब एक्स रिलेटेड होगा वाई से, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y belongs to natural number, means जो हमारे ये relation कहां से कहां है, natural numbers के set से natural numbers के set पे है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे हो गया आगे तक, ठीक है। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ऐसे, ये हमारे natural numbers हैं, इधर भी ये natural numbers हमारे। तो कह रहा है कि R1 में कौन कौन से x, y related होंगे, जो x भी नेचुरल नंबर है, y हमारा नेचुरल नंबर है, x प्लस y 10 होना चाहिए। तो देखो यहां पर अगर मैं इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर में क्या लिखा होता है, रूल लिखा होता है, वो बताएगा कि कौन x y कैसे रिलेटेड होते हैं, क्या रूल है। तो रूल क्या है यहाँ पे कि x और y दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे और दोनों का सम 10 होना चाहिए। इसी को मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, आर वन को कि 1 प्लस 9 जो है वो 9 के साथ रिलेटेड होगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, 1 9, 2 रिलेटेड होगा 8 से, 3 7 से रिलेटेड होगा, 2 8 से रिलेटेड होगा, 3 7 से क्योंकि 3 प्लस 7 10 होता है, 4 6 से रिलेटेड होगा, 5 5 से रिलेटेड होगा, ऐसे ही 4 6 5 5 आगे 6 4 7 3 8 2 9 1। तो ये हमारा आर वन रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने, और जैसे ही रूल लिख देते हैं तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ये मेनली दो टाइप थी रिप्रेजेंटेशन की, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग रूल से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ऐसे लैंग्वेज में भी बोल सकता है रिलेशन के बारे में हम लोगों को, पर हम लोग ज्यादातर इन फॉर्म्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो मेन फॉर्म होगी रिप्रेजेंटेशन की। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशन से पहले एक नोट है, और नोट है हम लोग लिखेंगे रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या होता है, लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इट्सेल्फ इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग किसी एक सेट से उसी सेट पर रिलेशन डिफाइन करें, आर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सेट ए से ए पर ही, तो हम उसको बोल देते हैं इट इज रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। अगर मान लो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया बी से बी पर, बी एक सेट है, बी सेट से बी सेट पर रिलेशन डिफाइन किया, तो इसको हम बोल देते हैं रिलेशन ऑन सेट बी।
तो इस देखो अभी तक पहले हम लोग क्या करते थे, रिलेशन डिफाइन किए, बहुत सारे रिलेशंस हमने वो सेट ए से बी पे डिफाइन किए, ठीक है। पर क्या ये सेट बी जो है ये भी यहाँ पे भी सेट ए हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। और इस केस में हम लोग ऐसे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट बोल सकते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, तो ए की बात है। तो यहाँ पे रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग मैं बोल दू रिलेशन ऑन ए सेट ए, तो इसका मतलब हो गया कि सेट ए से हमारा रिलेशन सेट ए से ए पर ही डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप ऑफ रिलेशंस करते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन जो पहली टाइप है रिलेशन की वो है एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। इसको एम्प्टी और वॉइड, वॉइड बोल देते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोल देते हैं। क्या होता है ये? तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू फाइव। तो यहां पे मैंने बोला ए रिलेशन आर ऑन सेट ए मींस जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए से ए पर ही हमने डिफाइन किया है। और एम्प्टी और वॉइड रिलेशन कब होता है? जब आर किसके इक्वल हो जाए? फाई के इक्वल हो जाए। एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे मैं बोल दूं आर इज ए रिलेशन, हम लोग सेट बिल्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -10। ये हमारा एक रिलेशन हो गया, ये रिलेशन लिख दिया मैंने, तो सेट बिल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं कह दूं कि ये जो रिलेशन है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, या ये रिलेशन एक तरीके से एम्प्टी रिलेशन है, या मैं बोलूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड हैं आपस में, ठीक है। तो अगर मैं ये रिलेशन बोलूं तो ये एक एम्प्टी रिलेशन है। क्यों एम्प्टी रिलेशन है? अभी आप देखोगे इसको कि नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ऐसे होते हैं, तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पे ही हमारा रिलेशन डिफाइन है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब आप मेरे को बताओ एक्स हमारा मतलब पहला एलिमेंट नेचुरल नंबर से इधर से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट इधर से होना चाहिए, और इस तरीके से होना चाहिए कि उनका सम -10 हो जाए। तो दो नेचुरल नंबर्स का सम हमें पता ही है कि -10 कभी नहीं हो सकता, तो इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं? तो इस रिलेशन में कोई एलिमेंट बिलोंग ही नहीं करता, तो ये एक रिलेशन क्या हो गया? फाई हो गया। कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है, वन किसी से रिलेटेड नहीं है, क्यों? वन अगर किसी के साथ भी ऐड करूं तो -10 नहीं आएगा, तो ये हमारा एम्प्टी रिलेशन हो गया। समझ में आई बात? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम उठा सकते हैं, तो ये हमारा एम्प्टी रिलेशन हो गया। सेकेंड जो है, सेकेंड जो टाइप है रिलेशन की वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ आर इज इक्वल टू ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो ये मैंने थोड़ा हाँ मैथमेटिकल डेफिनेशन उठा ली इसकी, थोड़ी ही मैथमेटिकल टाइप की डेफिनेशन है, मैं अभी बताऊंगा आपको आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या हो गया? फिर से मैंने बताया रिलेशन ऑन सेट का मतलब क्या होता था, सेट ए से ए पे ये। कभी आप सोच रहे हो कि ए से बी, बी तो है ही नहीं, दूसरा सेट तो दिया ही नहीं, तो रिलेशन कहां से कहां डिफाइन करेंगे हम लोग? तो ये जो रिलेशन है ये सेट ऑन सेट ए पे डिफाइंड है, मतलब सेट ए से सेट ए पे ही रहेगा। यहां पे ए सेट है, यहां पे भी ए ही है, ठीक है, सेट ए से ए पे ही डिफाइंड है। तो यहां पे क्या है, आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है? जिसमें ए ए मींस हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। मैं बता रहा हूं इसमें आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है, मैं सिंपल वे में बता रहा हूं, एक रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड हो।
फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो सेट ए 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा इसको ज्यादातर आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को। तो उसमें क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होगा जिसमें हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है, सिर्फ खुद से रिलेटेड होगा। और भी एग्जाम्पल मैं एक दो चीजें और डिस्कस करता हूं आइडेंटिटी को, रिलेशन को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 1 2 3 4 5, तो यहां पे रिलेशन आर मैं लिख रहा हूं 1 1 2 2 3 3 4 4। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये है नो, इट इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। ये एक आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 5 5 से रिलेटेड हुआ ही नहीं, ठीक है। उसने क्या कहा, आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड हो, हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पे 1 1 से रिलेटेड है, 2 भी रिलेटेड, 3 3 4 4 5 5 5 5 नहीं है, 5 5 होता तो ये आइडेंटिटी हो जाता, ठीक है। एक छोटा दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 और मान लिया 0, यहां पे मैंने लिखा 1 2 3 और 0 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पे मैं रिलेशन लिख रहा हूं आपको लिए, एक सेट ए से ए पे रिलेशन, ठीक है, 1 1 1 0 2 2 3 3 0 0, क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है? तो इसका आंसर है नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, ये भी है, 0 0 भी रिलेटेड है, 1 1 भी रिलेटेड है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो फिर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुद से, किसी और से नहीं। तो इसमें दो चीजें हुई, एक तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए और दूसरा किसी और से नहीं होना चाहिए, तो ये दो कंडीशंस है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में था। अगला जो टाइप है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन इन ए सेट या ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। तो हमने जब रिलेशन डिस्कस किया तो हमने बताया था कि कोई भी रिलेशन सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, अगर ए से बी पे डिफाइंड है, और अगर ए से ए पे ही है तो आर जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो अब ए क्रॉस, क्या ए क्रॉस ए खुद का सबसेट है? हाँ है। अच्छा, और क्या फाई भी ए क्रॉस ए का सबसेट है? तो ये भी सही है, फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो इसीलिए हम पहले ही कर चुके हैं कि एम्प्टी या वॉइड रिलेशन तो वो फाई तो होता है, ठीक है, तो वो एक रिलेशन होता है। जितने भी ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे वो सारे रिलेशन होते हैं, और ए क्रॉस ए भी एक सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो हर सेट खुद का भी एक सबसेट होता है, तो ए क्रॉस ए खुद का भी सबसेट है, ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक रिलेशन होगा। तो अब यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है, रिलेशन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। इसको मैं सिंपल वे में बताऊं तो हर एलिमेंट मतलब सब एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। यूनिवर्सल रिलेशन को क्या बताया मैंने कि सब एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल
मान लो मैंने एक सेट उठाया, आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन इफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये रिलेशन अभी मैं बना के बताता हूं आपको ढंग से थोड़ा। तो इसमें क्या है, ये मैंने बोल दिया आर एक रिलेशन होगा सेट ए पे, और उसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, उसमें एक्स और वाई रिलेटेड होंगे, कब, जब एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 होगा। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो वो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे जिनका सम 10 या 10 से कम हो, वो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे। तो यहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका सम 1 1 भी रिलेटेड होगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 10 से कम है। 2 2 1 2 भी रिलेटेड होगा, 1 3 भी रिलेटेड होगा, क्यों, क्योंकि इनका सम भी 4 ही हुआ, ये भी रिलेटेड होगा, तो 1 सबसे रिलेटेड है। ऐसे ही देखा जाए तो 2 1 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 2 प्लस 1 भी 10 से कम है। 2 2 से रिलेटेड होगा, 2 3 से रिलेटेड होगा, 2 4 से रिलेटेड होगा, 3 3 भी 1 से रिलेटेड होगा, 3 2 से रिलेटेड होगा, 3 भी से रिलेटेड होगा, 3 4 से भी, तो 3 भी सबसे रिलेटेड हो गया, 4 भी सबसे रिलेटेड हो गया। तो इसमें क्या है, हर एलिमेंट आपस में रिलेट हो रहा है, तो ये कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। और जब आप इस रिलेशन को लिखोगे, जैसे हमने लिखा 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 करके, 3 1 से लेके 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, मैंने ये ऐसे लिख के दिखा दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, कि ये तो बेसिकली हमने क्या लिखा, एक रो से ही तो लिख दिया, तो जो रिलेशन एक रो से ए के इक्वल हो उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थी, अगली वीडियो में हम लोग कुछ और टाइप्स करेंगे रिलेशन की। तो यूनिवर्सल रिलेशन, आपने एम्प्टी रिलेशन या वर्ड रिलेशन पढ़ा, हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग और कुछ टाइप्स करते हैं। थैंक यू।